नमस्कार दोस्तों, सीखो और समझो YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए कुछ टेक न्यूज़। तो शुरू करते हैं जियो से। जियो जो कि बहुत चल रहा है, तो जियो ने जी हाँ अपना इंटरनेशनल प्लान पेश किया है, जिसके तहत आप ले सकते हैं या बात कर सकते हैं 30 रुपये प्रति मिनट की दर से। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप इंटरनेशनल भी इतने कम कीमत पर बात कर पाएंगे। एक और न्यूज़ है जो कि जियो की तरफ से ही है, अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो एयर एशिया की टिकटों पर मिलेगा 15% की छूट, और अगर आप सेल्फी के दीवाने हैं तो ओप्पो F3 का ब्लैक एडिशन जो है वो भारत में लॉन्च हो चुका है। डुअल कैमरा है इसकी खासियत, और अगर आप स्मार्टफोन्स खरीदने चाहते हैं सस्ते दम पर, भारी छूट चल रही है फ्लिपकार्ट के लिनेवो डेज पर। तो आप फ्लिपकार्ट जाकर बहुत सारे लिनेवो के स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं, वो भी ऑफर्स के साथ सस्ते दामों पर। अगर हम टाइमेक्स के वॉच के बारे में बात करें तो टाइमेक्स है जो कि आपका स्मार्ट वॉच है, आप उसको खरीद सकते हैं, वो भी भारत में लॉन्च हो चुका है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो सैमसंग A7 भी जो लॉन्च होने वाला है वो 21 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। और दूसरा जो आप चाहें तो MI6 जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो Xiaomi की Mi 6 भी बोलते हैं उसको, कई लोग MI 6 बोलेंगे, तो Xiaomi की Mi 6 भी जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं ये भारत में कब आता है। साथ ही आप सुने होंगे कि स्नैपचैट के जो भारत के बारे में बोला गया था कि भारत एक गरीब देश है, तो गरीब बाजार है स्नैपचैट के लिए, इसकी वजह से स्नैपचैट की रेटिंग जो है वो नंबर 5 रेटिंग से गिरकर रेटिंग 1 हो गया था। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है बाजार के लिए। कुछ जोक्स भी आए थे ट्विटर पे कि अगर हम IPL में बाहर के लोगों को नचा सकते हैं तो ये मार्केट छोटा कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। साथ ही एक सोनू निगम की बात करें तो सोनू निगम जो है उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया है। कुछ ऐसे भी आए जो आए थे उनका जो मुसलमानों के वो लाउड स्पीकर के बारे में, जो अजान होता है उसके बारे में, तो वो काफ़ी बड़ा इशू बन गया है वो। साथ ही अगर हम देखें तो सोनी ने 3000 से कम कीमत पर काफ़ी अच्छे हेडफोन्स जो है लेके आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि YouTube ने जो पहले स्टार्टिंग में बोला गया था कि 10,000 जिसके सब्सक्राइबर होंगे वो ही लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, तो अब उन्होंने अभी नया अपडेट लेके आया है कि जिनके 1,000 सब्सक्राइबर होंगे वो भी अब कर पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी फ़ोन से। तो ये बहुत अच्छा मूव है यूट्यूब का। साथ ही जिनके नए चालू करना चाहते हैं जो यूट्यूबर्स, वो सोच समझ कर ईमानदारी से चालू करें, क्योंकि अब 10,000 व्यू के बाद ही आप कमा पाएंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल पाएगा। उससे ज़्यादा अगर व्यूज़ नहीं हैं, अगर 10,000 व्यूज़ हो भी जाते हैं तो पहले उसको चेक करेगा यूट्यूब कि ये सही है कि नहीं है, अच्छा चैनल है कि नहीं है, जेन्यून चैनल है कि नहीं, कुछ भी फेक तो नहीं, कॉपीराइटेड तो नहीं, उसके बाद ही आप उसको उसमें एडवर्टाइजमेंट मिल पाएगा, जो कि पुराना न्यूज़ है आप जानते ही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी इस तरह के टेक न्यूज़ बनाए जाए तो हमारा चैनल बिल्कुल देखते रहिए और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपकी आवाज़ सुनकर फेसबुक करेगा आपके सारे काम। जार्विस नाम के प्रोग्राम से यह आपकी आवाज़ समझकर आपके पूरे काम को पूरा करेगा। कंपनी जल्द ही अपडेट लेकर आने वाली है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने एयरटेल, एप्पल, मोबीक्विक समेत कई कंपनियों पर गुमराह कर देने वाले भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त हुआ है, और इसके खिलाफ अब कार्यवाही भी हो सकती है। साथ ही टेक्नो मोबाइल ने 5 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अगला न्यूज़ जो है वो अब एक दिन में बना पाएंगे पैन कार्ड, आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो साथ ही अगर हम अगले न्यूज़ की बात करें तो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आप लोकेशन जो है वो ट्रैक कर सकेंगे। तो इस तरह से और भी न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। A7 यूजर्स को जियो दे रहा है 309 रुपये के रिचार्ज पर डबल डाटा ऑफर। साथ ही अमेजन फायर टीवी स्टिक हुआ लॉन्च। एयरटेल दे रहा 100 GB फ्री डाटा और मूवीज़। साथ ही फेसबुक ने लॉन्च किया है डेवलपर्स के लिए कई सारे अपडेट्स, VR से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स हो सकते हैं आगे आने वाले फेसबुक के अपडेट्स में।
साथ ही अगर आप नेक्स्ट न्यूज देखें तो ZTE ने लॉन्च किए हैं एक्सन 7S और एक्सन 7 मैक्स स्मार्टफोन्स। इसकी खासियत आप देख सकते हैं और